प्रदेश भर में आज से सघन मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान का चौथा चरण शुरू हुआ। अभियान के तहत जयपुर सहित विभिन्न जिलों में नवजात से 5 वर्ष तक के बच्चों को 9 तरह की बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। जयपुर प्रथम CMHO डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया कि नियमित टीकाकरण से किसी भी कारण से वंचित रहे 1824 बच्चों का इस अभियान के तहत टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। हमारे नेशन में जो बच्चे छूटे हुए हैं, जिनको पूरा वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, फुल्ली वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, या 0-5 एज ग्रुप के जिनको कंप्लीट वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, उनको टारगेट करके उनको वैक्सीन कराने के लिए 7 दिन के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके अंदर जो बच्चे वैक्सीनेशन से वंचित रह गए हैं, किसी कारण से कोई डोज वंचित रह गई है, उन सभी लोगों को वैक्सीन किया जाएगा। जयपुर प्रथम में लगभग 1824 बच्चे हैं जिनका हमको मिसिंग जो वैक्सीनेशन से रह गए हैं, उन लोगों को हमें वैक्सीनेशन करना है। साथ में हमारे पास 589 प्रेगनेंट लेडी हैं जिनको टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाना है। ये दो टारगेट हमने पूरे जयपुर फर्स्ट में प्रथम में सभी जगह पर दिया है और 7 दिन के अंदर 100% अचीव करने के निर्देश दिए गए हैं। हमें पूरी आशा है कि 7 दिन के अंदर पूरा अचीवमेंट कर लिया जाएगा। और बच्चों का टीकाकरण शुरू से ही चल रहा है यहाँ पे और काफ़ी मात्रा में टीकाकरण होता है। मिशन इंद्रधनुष चल रहा है तो उसके लिए भी बहुत सारे टीके लगवाने लोग आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं बच्चों को दिखाने के लिए। उनके साथ जो स्वस्थ बच्चे हैं उनको भी हम पकड़ के टीकाकरण लगवा रहे हैं कि उनको बता रहे हैं कि टीकाकरण करवाओ। और सारी वैक्सीन निःशुल्क है 0 से 5 साल तक की, और जिसमें BCG, हेपेटाइटिस बी, निमोकोकल वैक्सीन जो निमोनिया से बचाता है, FIPV फ्रैक्शन डोज इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन की, और पेंटोवेलेंट है, रोटा वायरस, सभी वैक्सीन निःशुल्क है। तो हम पूरी से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को 100% लक्ष्य देके टीकाकरण करवाया जाए। मिशन इंद्रधनुष चल रहा है जिसमें 7 से 13 तक ये प्रोग्राम है मिशन इंद्रधनुष का, जिसमें सब तरह के वैक्सीन लगाए जाते हैं। 0 से 5 ईयर में जो बच्चे आ रहे हैं अपने यहाँ पे, उनको सबको वैक्सीन लगाई जा रही है निःशुल्क।